विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में एक विदेशी जोड़े ने मंदिर में विवाह किया। दूल्हा और दुल्हन दोनों नेपाली मूल के हैं। आजकल पूरे प्रदेश में विवाह और शादियों का माहौल है। लोग दिखावे के लिए लाखों रुपए विवाह और शादियों पर खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां करने पर पैसा खर्च किया जाता है और वहीं पर बड़े ही सादे अंदाज में नेपाली मूल के इस युवक और युवती ने मंदिर में शादी करके युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। बिना खर्चे से और बिना लेन देन से ये विवाह सम्पन्न हुआ। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में एक विदेशी जोड़े ने मंदिर में विवाह किया है। दूल्हा दुल्हन दोनों ही नेपाली मूल के हैं। आजकल पूरे प्रदेश में विवाह और शादियों का माहौल है। लोग दिखावे के लिए लाखों रुपए विवाह और शादियों पर खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां करने पर पैसा खर्च किया जाता है। वहीं पर बड़े ही सादे अंदाज में नेपाली मूल के इस युवक व युवती ने मंदिर में शादी करके युवाओं को एक मिसाल भी पेश की है। बिना खर्च से और बिना लेन देन के ये विवाह सम्पन्न हुआ। हालांकि ये युवक व युवती नेपाली मूल के हैं और पंजाब के रोपड़ में रहते हैं। इनके पिता रामजी बहादुर का कहना है कि वे दोनों बड़े सादे अंदाज में शादी करना चाहते थे और माताजी के दरबार को इन्होंने अपने विवाह के बंधन के लिए चुना और विधि पूर्वक फेरे लेकर विधि विधान से दोनों ने शादी के संबंध में अपने आप को बांधा। माता रानी इन्हें आशीर्वाद दे और माता रानी की कृपा इन पर बनी रहे। ये दोनों नेपाली है जो आज शादी करने यहाँ नैना देवी आए हुए हैं और माता रानी इनको आशीर्वाद दे और जीवन में सुखी पाएं।